सोमवार को बूंदी के दई गांव में अखिल भारतीय मीणा जनजाति सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए गुड़ा बांध से पेयजल परियोजना की घोषणा की तथा विभिन्न सड़कों के विकास के लिए 38 करोड़ 50 लाख रुपए की योजनाओं की स्वीकृति दी। राज्य ने कहा कि गुड़ा बांध पेयजल परियोजना की विस्तृत कार्य योजना जल्द से जल्द तैयार की जाएगी और एक वर्ष में क्षेत्रवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाकर राहत प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है और बूंदी जिले के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने नैनवा खटकड़ मार्ग के लिए 29 करोड़ की स्वीकृति तथा खटकड़ केशव राय पाटन सड़क मार्ग पर प्रगतिरत कार्य के तहत शेष 27 किलोमीटर के लिए 9.3 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने बूंदा मीणा पैनोरामा की मांग पूरा करने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। राज्य ने सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि सर्व समाज को ऐसे कार्यक्रमों की पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की लघु सीमांत कृषकों को 2 लाख रुपए तक के ऋण तथा अनुसूचित जाति जनजाति निगम की ऋण माफी योजनाओं से किसान एवं अनुसूचित जाति जनजाति को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बूंदी शहर की आधी आबादी को वन क्षेत्र से मुक्त कर स्थानीय निवासियों की बरसों पुरानी समस्या का समाधान कर दिया है। साथ ही गेंता मखीदा की पुलिया का कार्य तेजी से चल रहा है और यह परियोजना अगस्त माह में पूरी हो जाएगी। इस दौरान राजे ने नवविवाहित जोड़ों को सामूहिक विवाह अनुदान एवं विवाह प्रमाण पत्र सौंपे। इसके बाद राजे मंच से उतरकर वर वधुओं के बीच पहुंची और एक एक जोड़े का परिचय लिया और आशीर्वाद दिया।